पहला सवाल है कि बजट 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना हेतु कुल बजट आवंटन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.83 लाख करोड़ रुपए। बजट 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया गया है, तो ये कितना तय किया गया है, 15 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया गया है, यानी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित टोटल 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है बजट 2020-21 के मुताबिक आवंटित किया जाएगा, बांटा जाएगा। बजट के तीन प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से हैं, तो प्रथम है आकांक्षी भारत, दूसरा है सभी के लिए आर्थिक विकास और तीसरा है जिम्मेदार समाज। केंद्रीय बजट 2020-21 में PPP मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित करना। और बजट 2020-21 में समग्र स्वास्थ्य के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो 69 करोड़ रुपए जो है वो समग्र स्वास्थ्य के लिए आवंटन किया गया है बजट 2020-21 के मुताबिक। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य है, तो तपेदिक यानी टीबी को समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक है। केंद्रीय बजट 2020-21 के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन हेतु कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12,300 करोड़ रुपए। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होती है, तो सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है उधार और अन्य देयताओं से। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक कौन है, तो करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है वहां पर केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा व्यय होता है। और नेक्स्ट है कि 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी, इनमें से किसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है, तो चीनी को आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है, बाकी अनाज, दाल, तिलहन, प्याज, आलू, खाद्य तेल, इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। 22 मई 2020 को RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया, इसके तहत RBI ने नीतिगत रेपो रेट में कितने प्रतिशत किया है, तो वो कर दिया है 4%, जो कि पहले 4.4% था, तो उसको 40 अंक आधार कम करके उसको 4% पर कर दिया गया है। और हाल ही में मौद्रिक नीति का जो डेटा जारी किया गया है तो वहाँ पर भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो अभी भी 4% पर ही कायम है। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया, इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 295.67 मिलियन टन। 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई, 2020 में जारी इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी सबसे शीर्ष स्थान पर हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर सही कथनों का चयन करना है कि सही कथन कौन कौन से हैं। पहला है कि दिसंबर 2019 में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची, जो कि 2019 के संदर्भ में है, में शीर्ष स्थान पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें शीर्ष स्थान पर एंजेला मार्केल ही है। और दूसरा है यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को दूसरा स्थान मिला है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 34वां, रोशनी नडार मल्होत्रा को 54वां स्थान तथा किरण मजूमदार शाह को 65वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इस तीसरे स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इसके तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। दिसंबर 2019 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 में भारत के कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई है, तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई है, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, इस तरीके के सवाल को सिंगल सवाल के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि 2019 के डेटा के मुताबिक भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो वो हो जाएगा 2.8%। वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन नवंबर 2019 तक में 1% की कमी आई है और यह 147.791 मिलियन टन दर्ज किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा। और अगला है कि भारत और विश्व के उत्पादन में जहां गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चीन का उत्पादन नवंबर 2019 के मुताबिक 80.287 मिलियन टन बढ़ा है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि चाइना के जो है वो इस्पात उत्पादन में यहां पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
7 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि अनुमानित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5%। वर्ष 2018-19 में वास्तविक जीवीए वृद्धि दर 6.6% अनुमानित थी, जबकि 19-20 में यह अनुमानित थी, तो 19-20 के लिए 4.9% अनुमानित थी। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 19-20 के लिए स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निर्धारित है, तो प्रति व्यक्ति आय निर्धारित है स्थिर कीमत पर 96,563 रुपये, वहीं वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति आय निर्धारित है 1,35,050 रुपये। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन करना है, तो सवाल देखते हैं कि भारत के एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस के हिस्सेदारी को वर्ष 2020 से 2030 तक 6.2% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। प्राकृतिक गैस वर्तमान में देश के कुल ऊर्जा खपत में 6.2% की हिस्सेदारी रखता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा। और अगला है कि नवंबर 2019 में वित्तीय समावेशन पर जारी ग्लोबल माइक्रोस्कोप 2019 रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि इस रिपोर्ट में वित्त के सबसे अनुकूल वातावरण के उभरते देशों में भारत का 5वां स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है प्रथम 4 देशों में कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे तथा मैक्सिको शामिल है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। और तीसरा है कि यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी की गई है, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि UNDP के द्वारा इस रिपोर्ट को नहीं जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 55 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित है, तो चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही है, इसमें 55 देशों का सर्वेक्षण किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत जो है वो 5वां स्थान है, और पहला स्थान कोलंबिया का, उसके बाद में पेरू का, फिर पराग्वे का और फिर मैक्सिको का है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल माइक्रोस्कोप 2019। अक्टूबर 2019 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के अनुसार GDP के संदर्भ में वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, तो कौन सी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है? तो 5वें नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और यह किसके मुताबिक है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार GDP के संदर्भ में वर्ष 2019 में भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं होंगी, तो भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं USA, चीन, जापान और जर्मनी है। और अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में सकल बचत GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये था 30.5%। 2019 में मानव विकास सूचकांक 2019 में 189 देशों की सूची में शीर्ष देश नॉर्वे है, तथा अंतिम स्थान पर 189वें स्थान पर नाइजर है, तो वहाँ पर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो प्राप्त हुआ है स्थान, वो देखिएगा 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, 129वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक 2019 दिसंबर 2019 में जारी किया गया, इसमें कुल 189 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, और अंतिम स्थान यानी कि 189वां स्थान प्राप्त हुआ है नाइजर को, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकी देश है, और भारत को प्राप्त हुआ है 129वां स्थान। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 129वां स्थान। केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा घाटा है राजकोषीय घाटा। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं में से सर्वाधिक आवंटन किस योजना पर किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर मनरेगा को देख करके मनरेगा को मत टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी योजनाएं दी गई हैं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है 2020-21 के मुताबिक। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय नीति के अंतर्गत 2021-22 तथा 2022-23 तक राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 3.3% है, 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 3.1% है। बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है निगम कर से और प्लस आय कर से, तो दो कर हैं, निगम कर, कर प्लस आय कर, जहाँ से सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। और अगला सवाल इकोनॉमी सर्वे से है, आर्थिक समीक्षा से है, कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार चालू खाता घाटा जो वर्ष 2018-19 में GDP के 2.1% था, कम होकर के 19-20 की प्रथम छमाही में आ गया, तो 2019-20 की प्रथम छमाही में 1.5% पर हो गया था, 1.5% पर हो गया।